समझना पड़ेगा इन चीज़ों को कि क्या ज़रूरी है क्या ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है कि हमारे तन में कपड़े हों, ज़रूरी है कि हमारे तन में अच्छे कपड़े हों, मैं इस चीज़ से भी इनकार नहीं करती। ज़रूरी है आप सुंदर भी लगे, ज़रूरी है आप अपने मित्र इष्ट रिश्तेदार सबके साथ बैठ करके भोजन करें, खुश रहें, लेकिन लाखों करोड़ों रुपए सिर्फ अपने शौक के लिए खर्च कर देना वो ज़रूरी नहीं। वो ज़रूरत कहीं और आप दे सकते हैं, ज़रूरतमंदों को मिल सके तो वो बहुत अच्छी बात होती है। और जब हमारे दृश्य हमारी आंखों के सामने ये चीज़ें होती रहे और हम कुछ नहीं करें तो उसके भागीदार हम ही बनते हैं, वो पाप हमें ही मिलता है। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक जंगल में आग लग गई, जंगल में आग लगी, सब पंछी जीव जंतु सब उड़ करके वहाँ से जाने लगे। उस जंगल में एक छोटी सी टिटहरी रहती थी। उस टिटहरी ने झरने में पानी अपनी चोंच में भरा और चोंच के जल से आग में डालती है, तो कुछ कौओं का झुंड वहाँ से उड़ के जा रहा था और टिटहरी पे हंसने लगा कि ये पागल सी टिटहरी को देखो, इसके जरा से चोंच के जल से कभी जंगल की आग बुझेगी। टिटहरी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, उसने कहा मुझे ये बात पता है कि मेरे जरा से चोंच के जल से जंगल की आग नहीं बुझने वाली, लेकिन जब भी जंगल का इतिहास सामने आएगा मेरा नाम आग बुझाने वालों में और तुम्हारा तमाशा देखने वालों में आएगा। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि जो लोग अभी मुझे सुन रहे हैं यहाँ बैठ के और जो टीवी में सुन रहे हैं उनका नाम कभी भी तमाशा देखने वालों में आए। आग बुझाने के लिए राम सेतु बनाया, बड़े बड़े बानरों ने बड़े बड़े पत्थर रखे, पर एक गिलहरी ने अपने शरीर में मिट्टी लगाई। भगवान राम के हाथों में गिलहरी आ गई, भगवान ने कहा तू मर जाएगी, बानर है इनके पाँव के नीचे आई। तो गिलहरी ने कहा प्रभु आपके चरण बड़े कोमल हैं और कहीं इस कठोर पत्थर से आपके चरण मुरझा गए तो क्या होगा। तो भगवान ने कहा तो तू क्या कर रही थी। बोले मैं मिट्टी अपने शरीर में ला ला के पत्थरों में डाल के उसको थोड़ा कोमल बना रही थी। जब एक गिलहरी इतने बड़े सेतु इतने बड़े राम सेतु को बनाने के लिए सहयोग कर सकते तो हम क्या गिलहरी जितना भी सहयोग नहीं कर सकते। जीवन में जरूरी है, भगवान ने गीता में कहा है अद्वैष्ट सर्वभूतानां मैत्रेह करुण एवच निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। सबके प्रति मैत्री की करुणा की प्रेम की भावना रखो, सबसे प्रेम करो, सबको अपना बनाओ। सनह पितेव सोनवे अग्नि सुपायनो भव, वेदों के वाक्य है ये, वेदों में कहा है जैसे पिता पुत्र के प्रति प्रिय भाव अपनाता है वैसे समाज के हर प्राणी के प्रति उसे अपना मान करके जियो। हमारा बच्चा अगर रोने लगे बीच टाउन में बीच बाजार में कि हमें ये चीज चाहिए तो हम कहीं से भी लाके उसको देते हैं, पर कभी उन गरीबों के बच्चों को मैंने रोते हुए भी नहीं देखा कि मुझे रोटी ला करके दो, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके माँ बाप नहीं लाके दे सकते। क्या हम उनके माँ बाप नहीं बन सकते? क्या हम उनके लिए इतना कार्य नहीं कर सकते? भगवान ने आपको एक पुत्र दिया, सोचो भगवान ने हमें दो तीन पुत्र और दिए और वो पुत्र तो आपसे कुछ डिमांड भी नहीं करता, वो सिर्फ मांगता है दो वक्त की रोटी। खुशी से दीजिए, प्रसन्नता से दीजिए। भारत में अन्न वितरण योजना, वस्त्र वितरण योजनाएं सब चालू हैं, सब काम कर रहा है और मेरा ये लक्ष्य है कि जब तक ये जीवन रहेगा। एक और चीज़ बताती हूँ, थोड़ा सा आपको वो करेक्ट करती हूँ कि कृष्णा मिशन सिर्फ नरेश अंकल का नहीं है, ये हमारा मिशन है, ये मेरा मिशन है और ये मेरा लक्ष्य है कि आपके माध्यम से जो कृष्णा मिशन के माध्यम से काम होगा पूरे भारतवर्ष में वो सेवा करना हमारा कर्तव्य है। तो साध्वी सरस्वती फाउंडेशन और कृष्णा मिशन मिल करके काम करेंगे और हम जितना भी हमारा सहयोग होगा हम कृष्णा मिशन को अवश्य समर्पित करेंगे ताकि इंग्लैंड की धरती में भी रह करके भारतीय संस्कृति को जागृत रखे और समाज की सेवा करती रहे। अच्छा चलो, तो ये बात हम कर रहे थे लेकिन अब हम पूछते हैं कि हम कहाँ थे बताओ। वृंदावन में थे ना, भूल गए आप लोग, याद है? हाँ, हम लोग वृंदावन में थे। वृंदावन परम सुंदर भूमि है, व्रज की भूमि। रामचरितमानस में कहा है उमा दारु जोशित की नाई सभी नचावत राम गुसाई। राम सारे संसार को नचाते हैं और राम को कौन नचाता है? गोपियाँ, वो कन्हैया बन के आते हैं
और प्रभु श्री राम जब कृष्ण बन के आए, कहते गोपियों से, गोपी थोड़ा सा माखन दे दे। तो गोपी कहती है, देख कान्हा, मेरे पास गोबर का टोकना है, ये तू जितने गोबर के टोकना बाहर फेंकेगा मैं तुझे माखन का एक गोला दूंगी। तो भगवान कहते ठीक है। तो भगवान गोबर के टोकने फेंकने जाते, गोपी कहती मैं गिनूंगी कैसे कि कितने टोकने हुए। तो गोपी कहती जितनी बार तू गोबर का टोकना लेके जाएगा मैं तेरे गाल पे उतना गोबर का एक टीका लगाऊंगी। भगवान कहते ठीक है, टोकना लेके जाते इधर से, और ज्यादा माखन के लोभ में यहाँ तो गोपी एक टीका लगाती, भगवान उधर गोबर के चार पांच टीके खुद से लगाते हैं कि ज्यादा माखन मिलेगा। और ऐसा करते करते शाम हो गई। भगवान कहते गोपी अब तो माखन खिला दे रे, थोड़ी सी छाछ पिला दे। वह गोपी कहती एक भी टीका तो ढंग से दिखाई नहीं दे रहा, पूरा मुंह गोबर से भर गया, जरा तू नाच के दिखा तो ही छाछ पिलाऊंगी। संत कहते हैं, शेष महेश सुरेश दिनेश ही जाहि निरंतर ध्यावही ताहि अहीर की छोहरिया छछियां भर छाछ में नाच नचावे। थोड़े से छाछ के लिए तो वृंदावन में हम हैं, तो फील भी होना चाहिए कि वृंदावन में है। और मुझे तो लग रहा है, आप लोगों को लग रहा है कि नहीं पता नहीं, मुझे तो लग रहा है कि आप सभी वृंदावन में बैठे हैं। आपको लग रहा है? मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, इतना सुंदर सानिध्य मिल ही नहीं सकता। प्रभु हमारे बीच में है, भगवान हमारे बीच में है, और ये बर्मिंघम की धरती आज से वृंदावन धाम बन चुके है 3 दिन के लिए। अब आपकी जिम्मेदारी कि मेरे जाने के बाद आप अपने हृदय मंदिर को वृंदावन बना के रखते हैं कि नहीं। पर मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि 3 दिनों तक आपको यही एहसास हो कि ये धाम वृंदावन धाम है। नारद जी महाराज को वृंदावन धाम में बड़ा आनंद मिला, लेकिन उन्होंने देखा कि एक स्त्री है, वो स्त्री दो वृद्ध पुरुष उसके सामने मूर्छित अवस्था में है और वो उनको देख देख करके रो रही है। नारद जी महाराज ने देखा कि ये क्या है, सोचा जाकर के पूछूं। फिर नारद जी ने सोचा कि स्त्रियों का कोई भरोसा नहीं होता, कभी रोते रहे होता है ना, स्वभाव बता रही हूँ कि कभी स्त्रियाँ रोती रहें और आप जाके पूछ लो कि भाई क्या हुआ, तुम्हें क्या तकलीफ है। बोले मुझे तकलीफ है ना, तुम्हें क्या फर्क पड़ता, जाओ तुम यहाँ से। और अगर आप नहीं पूछो तो भी रोना कि तुम्हें तो कितने बेदर्द हो, तुम्हें पूछना भी नहीं कि मैं रो क्यों रही हूँ, कम से कम पूछो तो सही मैं तकलीफ में क्यों हूँ। नारद जी ने कहा स्त्रियों की बात स्त्रियां ही जान सकती हैं, मैं अगर बीच में घुसा कह देंगी बाबा हमारी बात है। तो नारद जी वहां से मुड़ने लगे तो उस स्त्री ने नारद जी को पुकारा, भो भो साधो छड़म तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनव तव लोकस्य सर्वथा गहनं परम। हे साधु रुकिए, मेरी चिंता का नाश करिए। बोले क्या हुआ देवी, तुम कौन हो, ये वृद्ध पुरुष कौन है, ये सैकड़ों स्त्रियां जो तुम्हें पंखा झाल रही, ये कौन है। उस स्त्री ने अपना परिचय दिया, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो मे तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो कालयुगी निजर जरा गंगा क्षया सरिता शिचेमा मत सेवा समागता तथापि नाचामि श्रिया सेविताया सुरेरपि। मेरा नाम है भक्ति, ये जो दोनों वृद्ध पुरुष हैं ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। ये सैकड़ों स्त्रियां गंगा गोदावरी नदियां इत्यादि हैं, ये मेरी सेवा के लिए। अब किस माँ को अच्छा लगेगा कि माँ जवान और बेटे बूढ़े हो जाए। माँ बूढ़ी हो बेटे जवान हो अच्छा लगता है, मेरे पुत्र बूढ़े हो गए मूर्छित हैं मुझे बड़ा दुख लग रहा। नारद जी ने कहा ये सब कैसे हुआ, तो बताया। अब ध्यान से सुनना, आपके काम की एक बात बताने जा रही हूँ। भागवत महापुराण में वर्णन आया है, लोग कहते ना गुजरात में बड़ी भक्ति है, बड़ी भक्ति है। एक समय ऐसा भी था कि वो भक्ति कहीं छीण हो गई थी, क्योंकि वो लिखा हुआ है, उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गतः क्वाचिन क्वाचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगता। मैं वृंदावन धाम में ऐसे ही नहीं आई, पहले मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, महाराष्ट्र में मेरा बड़ा सम्मान हुआ, पर मैं गुजरात में गई और मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया। उस समय गुजरात में लोगों को धन कमाने की होड़ इतनी ज़्यादा लगी थी कि लोग भक्ति को भूल गए थे। लेकिन आज मैं वंदन करती हूँ गुजरात की धरती को कि आज गुजरात की धरती में इतनी भक्ति है, इतनी कथाएं होती है, इतना प्रभु का भजन होता है जितना भारत के किसी अन्य प्रांत में इतनी भक्ति भावना नहीं होगी, जितना अकेले गुजरात में होता है।
हमने उस बात को भी झूठा करके साबित कर दिया। लेकिन ये बात लिखी यहाँ पे कि हम एक समय, तो देखिए वो समय फिर से ना आए, हमें भक्ति भाव में लगे रहना चाहिए। मैं गुजरात में गई, बूढ़ी हो गई, मेरे पुत्र भी बूढ़े हो गए, मैं वृंदावन आई, मैं तो जवान हो गई, पर पुत्र बूढ़े के बूढ़े रहे। नारद जी, बड़ी तकलीफ है। नारद जी ने कहा ये कलयुग के प्रभाव से, कलयुग में लोग भक्ति कर लेते हैं, ज्ञानी वैरागी कोई बनना नहीं चाहता। मैंने यहाँ पे देखा है, भारत में भी देखती हूँ कि बूढ़े बुजुर्ग आकर के, माताएं आकर के कथा सुनती हैं, बच्चों को, पोतों को, घर के बच्चों को कोई लाना नहीं चाहता। मैंने देखा एक माता जी अपने बच्चे को लेके आती थी, 3 दिन तक बच्चा आया, 4th दिन आया नहीं। मैंने माता जी से पूछा, आपका बच्चा बड़े ध्यान से कथा सुन रहा था, आप उसको क्यों नहीं लाई? बोले वो इतने ध्यान से सुन रहा था, मैं डर गई कहीं बाबा जी ना बन जाए। मैंने कहा वाह मैया, कभी ये तो नहीं सोचा होगा मेरा बेटा चोर ना बन जाए, हाँ लुटेरा ना बन जाए, डाकू ना बन जाए, आतंकवादी ना बन जाए, हाँ ये तो नहीं सोचा, बाबा जी बन जाए, संत ना बन जाए। संत बनना कोई मामूली बात नहीं है, आप तो खुद लगता है कि संत ना बन जाए, संत ना बन जाए। निवेदन करती हूँ आपसे, बच्चों को लेकर के आए तो उनके अंदर संस्कार आएंगे। नारद जी महाराज ने कहा कि भक्ति सब कर लेते हैं, ज्ञान वैराग्य का कोई ग्राहक नहीं है, आप चिंता मत करो, अभी यूँ ठीक कर दूंगा। और ज्ञान वैराग्य के कान में गीता पाठ करने लगे, गीता पाठिर मुहुर मुहुर, वेदों के मंत्र पढ़े, उपनिषद पढ़े, श्रुतियां पढ़ी, सब पढ़ डाले, 17 पुराण सुना डाले, ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर नहीं हुई, तब आकाशवाणी हुई कि आपको सत्कर्म करना पड़ेगा। नारद जी महाराज से वहां निकले और फिर उनको सनक सनंद सनातन सनत कुमार वद्रिकाश्रम में मिले। वद्रिकाश्रम में सनत कुमारों ने कहा आपने सब सुना दिया, भागवत महापुराण की कथा क्यों नहीं सुनाई? बोले वो भागवत महापुराण में वेदों के ही मंत्र हैं, महाभारत की ही कथाएं हैं, जब सब सुना दिया, संपूर्ण मूल ही सुना दिया, तो सार सुनाने से क्या फायदा? समझाया सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने कि आम होता है ना, आम का वृक्ष, उसमें जो फल है, वो फल में जो रस है वो जड़ से ही जाता है। लेकिन आदमी सोचे कि फल लगे नहीं है तो जड़ को खा के देख ले तो जड़ में स्वाद आने वाला नहीं है। ये बात सच है कि फल में जो रस है वो जड़ से ही जाता है, लेकिन जो जड़ है वो मूल है, जो फल है वो सार है। सभी धर्म ग्रंथ मूल हैं और भागवत महापुराण सबका सार है, इसलिए भागवत कथा के श्रवण मात्र से ज्ञान वैराग्य को मोक्ष मिलेगा। हरिद्वार के पावन तट पे आसन लगे, चारों भैया सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बैठे, नारद जी एक आसन पे बैठे, 3 आसन में अदृश्य रूप से भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य को बैठाया। 7 दिन तक कथा चली और 7 दिन के बाद विश्राम दिवस जब हुआ और विश्राम दिवस में इस प्रकार से भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य तरुण अवस्था में आ गए, इस प्रकार से जवान हो गए और हाथों में वीणा लेकर के, खड़ताल लेकर के, मृदंग लेकर के भगवान की जय जयकार करने लगे। बोले भक्तिवत्सल भगवान की जय, शिवा की बिहारी लाल की जय।